तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दुर्देव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाटा स्टील के शेयर के बारे में। तो गाइस, अगर आप किसी भी शेयर को बाई करने की सोच रहे हैं बट आप कंफर्म बाई नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं। मैं आपको इस पूरे वीडियो में इस शेयर के बारे में काफी क्लियरली कंफर्मेशन क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इसी तरह के शेयर हमेशा चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाइज, मैंने कुछ शेयर्स आपके साथ डिस्कस भी किया है, आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आप वहां से उस वीडियो को देखें और सारे शेयर्स को आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं, और कंफर्मेशन के बाद शेयर को बाई करने के बाद अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। गाइज, बिना देर के हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 6 पॉइंट्स डिस्कस किया है। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं गाइज, मैंने आपके साथ इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और टाटा स्टील का प्राइस अर्निंग डिस्कस किया है। और गाइज, नंबर सेकंड में मैंने आपके साथ टाटा स्टील का परफॉर्मेंस डिस्कस किया है। 1 वीक से लेकर के जो 1 ईयर तक का जो भी परफॉर्मेंस है मैंने आपके साथ क्लियर किया है। गाइज, नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ फाइनेंशियल का जो नेट इनकम है मैं आपको क्वार्टरली का चार्ट लगा करके क्लियर किया हूँ। गाइज, नंबर फोर में मैंने आपके साथ शेयर होल्डिंग क्लियर किया है। प्रमोटर्स के पास, FIA के पास, DIA के पास और पब्लिक के पास कितने परसेंट तक शेयर होल्डिंग है। नंबर फाइव में बात करें तो आप देख सकते हैं नंबर फाइव में आपके साथ मैंने रियल चार्ट पे टारगेट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिस्कस किया है कि अगर आप इस शेयर को यहाँ पे बाई करते हैं तो इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है, यानी कि ये अगर आप शेयर को यहाँ पे बाई करते हैं तो ये शेयर जो है कहाँ तक जा सकता है। नंबर सिक्स में हम देखेंगे RSI और MACD को, ये आपको क्लियर करेगा शेयर को बाई करने में काफी हेल्प करेगा। तो गाइस, RSI क्लियर कंफर्मेशन करता है और MACD भी क्लियर कंफर्मेशन करता है शेयर को बाई करने में या फिर सेल करने में। तो गाइस, आपको यहाँ पे शेयर को बाई करना है तो हमको तो आपको कॉन्फिडेंस होना है गाइस RSI और MACD पे। ये आपको जब भी इंडिकेट करे, क्लियर कंफर्मेशन करे शेयर को बाई करने का, तभी आप शेयर को बाई करें, अन्यथा आप शेयर को बाई ना करें जब तक आपको क्लियर बाई का सिग्नल प्रोवाइड नहीं होता है। आज की इस वीडियो में मैंने यही सारे पॉइंट्स काफी क्लियरली डिस्कस किया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और गाइस साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो गाइस, अगर पॉइंट नंबर वन में देखें हैं, बात की जाए इसके प्राइस अर्निंग की, तो आप देख सकते हैं जो इसका इंडस्ट्रियल प्राइस अर्निंग है वो 14.48 का है, और गाइस जो टाटा स्टील का जो प्राइस अर्निंग है वो आप देख सकते हैं 9.59, यानी कि लगभग 10 का है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो इंडस्ट्रियल प्राइस है, टाटा स्टील का जो प्राइस अर्निंग है वो अभी आपको डाउन पे है। तो गाइस, यानी कि ये जो प्राइस है जो टाटा स्टील का वो सस्ता गाइस पे, आप सस्ते इंडस्ट्री प्राइस है, सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो गाइस, ये आप शेयर आपको काफी अच्छा है और काफी सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा है। आप देख सकते हैं गाइस क्लियरली आपको काफी सस्ते प्राइस अर्निंग पे आपको ये प्रोवाइड कर रहा है शेयर। और गाइस, अगर डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं डिविडेंड भी 2.16% तक का देता है। तो गाइस, काफी अच्छा ये डिविडेंड आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो मैंने परफॉर्मेंस लगा रखा है ये 1 वीक में गाइस आपको ये 3.36% तक का परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइस, ये आपको 1 वीक में ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। गाइस, अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 मंथ में ये थोड़ा कम किया है गाइस, लेकिन आप वापस से 3 मंथ के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 57.12% का। तो गाइस, काफी अच्छा आपको ये 1 वीक से 1 मंथ में थोड़ा कम किया, लेकिन गाइस आप 1 मंथ के बाद 3 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस आपके साथ प्रोवाइड कर रहा है। गाइस, अगर 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में यह शेयर जो है आपको 88.49% तक का ये परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गाइस कम समय में काफी अच्छा ये मुनाफा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, काफी अच्छा प्रॉफिट ये आपको दे सकता है। 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये 1 ईयर में आपको 269.90% तक का, यानी कि 270% तक का ये आपको 1 ईयर में परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, अगर आप 1 ईयर के लिए आप इसमें अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गाइज आपको 1 ईयर के बाद ये आपको 3,70,000 तक का गाइज आपको ये प्रॉफिट क्लियर प्रोवाइड करने वाला है। तो गाइज, काफी अच्छा है आपको 1 ईयर में भी प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिट को। तो गाइज, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए अगर आप शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो गाइज आप 3 मंथ के लिए कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, और थोड़ा लंबे समय के लिए करना चाहते हैं तो गाइज 1 ईयर के लिए करें, आपको काफी अच्छी आपको प्रॉफिट हो सकती है 1 ईयर में। वीडियो यहीं पे खत्म नहीं होती, अभी काफी और भी पॉइंट्स बाकी हैं, आप वहां से भी इस शेयर के बारे में काफी क्लियरली कंफर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूं फिर से आपको, आप हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइस, अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने गाइस टाटा स्टील का जो फाइनेंशियल लगा रखा है
और गाइज ये मैंने क्वार्टरली का चार्ट लगा रखा है। गाइज आप इसका नेट इनकम की बात करें तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये Q1 2020 का इसका नेट इनकम है गाइज -44 बिलियन। तो गाइज ने Q1 2020 में थोड़ा कम किया, स्टार्टिंग में गाइज थोड़ा कम किया है, लेकिन आप देख सकते हैं Q2 2020 में 15 बिलियन का इसने रिटर्न्स आपको क्लियर किया। तो गाइज 15 बिलियन कोई कम नहीं है गाइस, काफी ही बड़ा अमाउंट है गाइस, 15 बिलियन तक का इसने Q2 2020 में आपको नेट इनकम प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं काफी अच्छा ये नेट इनकम आपको क्लियर करके प्रोवाइड कर रहा है गाइस। आप देख सकते हैं अगर Q3 2020 की बात करें तो आप देख सकते हैं Q2 के अपेक्षा गाइस काफी अच्छा रिटर्न आपको इसने Q3 में प्रोवाइड किया है गाइस, 36 यानी कि 36.97 है, तो गाइस 37 बिलियन आप बोल सकते हैं इसको। तो ये आपको Q3 2020 में 37 बिलियन तक का आपको इसने नेट इनकम प्रोवाइड किया। तो गाइस काफी अच्छा इसने नेट इनकम आपको क्लियर करके हर क्वार्टर में प्रोवाइड कर रहा है गाइस। अगर Q4 की बात करें तो आप देख सकते हैं Q2 के अपेक्षा Q3 और Q3 के अपेक्षा ही बहुत ही बड़ा इसने नेट इनकम आपको प्रोवाइड किया है, 66 बिलियन तक का गाइस Q4 में इसने आपको नेट इनकम प्रोवाइड किया है। तो गाइस ये जो शेयर है आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा आपको इनकम नहीं क्लियर कर पाया, लेकिन आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के बाद से यानी कि Q1 के बाद से Q2 और Q3 और Q4 में आप देख सकते हैं हमेशा गाइस काफी अच्छा रिटर्न आपको ये प्रोवाइड करते गया है, और Q4 में तो गाइस इसने काफी ही क्लियरली और काफी अच्छा ये रिटर्न आपको प्रोवाइड किया है गाइस। इसके ग्राफ की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफ भी देख सकते हैं Q1 का ग्राफ, Q2 का ग्राफ, Q3 का ग्राफ और Q4 2020 का ग्राफ गाइस आपको दिख रहा होगा, ग्राफ हमेशा इंक्रीज करता हुआ आपको दिख रहा होगा गाइस, काफी बड़ा इसने Q4 2020 में ग्राफ को इंक्रीज किया है गाइस, काफी बड़ा इसने क्लियर किया है। तो गाइस ग्राफ भी आप देख सकते हैं और आपको नेट इनकम भी क्लियर होगा, तो गाइस आप देख सकते हैं काफी अच्छा ये नेट इनकम आपको प्रोवाइड कर रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइस मैंने ये शेयर होल्डिंग का समरी लगा रखा है और गाइस यहाँ मैंने ट्रेंड लगा रखा है। तो गाइस आपको मैं ट्रेंड से क्लियर करने वाला हूँ, जो प्रोमोटर्स के पास गाइस शेयर है वो दिसंबर 2020 में 34.41% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 34.41% तक का शेयर होल्डिंग अभी भी है। तो गाइस इसने अपने शेयर को ना ही इंक्रीज किया और ना ही डिक्रीज किया है, तो प्रमोटर्स के पास गाइस अभी सॉरी 34.41% तक का शेयर होल्डिंग है गाइस। अगर FIA की बात करें तो आप देख सकते हैं FIA के पास दिसंबर 2020 में 16.87% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 18.56% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस FIA ने अपने शेयर्स को और इंक्रीज किया है, यानी कि गाइस अपने शेयर्स को और बढ़ाया है और अभी ये 18.56% तक के शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। तो गाइस अगर DIA की बात करें तो आप देख सकते हैं DIA के पास दिसंबर 2020 में 26.09 यानी कि 26% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 25.41% तक का शेयर होल्डिंग है। देख सकते हैं इन्होंने अपने थोड़े शेयर को डिक्रीज किया यानी कि थोड़े शेयर को घटाया, फिर भी अब ये 25% तक के शेयर को अपने पास रखे हुए हैं। गाइस अगर पब्लिक की बात करें तो आप देख सकते हैं पब्लिक के पास जो है दिसंबर 2020 में 22.62% तक का शेयर होल्डिंग था, और गाइस अगर मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 21.62% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस लगभग इन्होंने यानी कि पब्लिक के पास भी है गाइस मार्च 2021 में दिसंबर 2020 के अपेक्षा 1% शेयर को लगभग कम किया है गाइस इन्होंने, और अभी फिर भी 21% तक के शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। तो गाइस पब्लिक के पास भी काफी अच्छा शेयर होल्ड है, तो गाइस आप भी इनमें शामिल हो सकते हैं, कुछ शेयर्स आप भी शेयर्स को बाई कर सकते हैं और शेयर को होल्ड थोड़े समय के लिए कर सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस अगर समरी की बात करें तो आप देख सकते हैं समरी में आप क्लियर करता हूँ गाइस, तो ये देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो है 34% तक का शेयर होल्डिंग, FIA के पास 18% तक का शेयर होल्डिंग गाइस, और DIA के पास जो है 25% तक का शेयर होल्डिंग, और पब्लिक के पास गाइस 21% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस काफी अच्छा शेयर होल्डिंग सभी के पास है, तो गाइस क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा काफी अच्छे शेयर्स सभी लोग रखे हुए हैं। तो गाइस आप भी कुछ समय के लिए शेयर्स को रख सकते हैं और इनके बिलीव के साथ इनके इनके विश्वास के साथ यानी कि कंपनी के साथ आप भी चल सकते हैं, थोड़े समय के लिए शेयर को होल्ड करने के बाद अच्छी प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने 1 डे कैंडल के साथ टाटा स्टील का चार्ट लगा रखा है, और गाइस ये मैंने हाइकेनेसी कैंडल लगा रखा है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये इसने लास्ट कैंडल जो बनाया है गाइस आप देख सकते हैं इसने हाइकेनेसी कैंडल यानी कि वो
पुलिस कैंडल बनाया था गाइस, काफी अच्छा इसने कैंडल क्लियर किया है गाइस। आप देख सकते हैं इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट को अचीव करने के बाद गाइस ये अपने फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, और गाइस थोड़ा नीचे आने के बाद शेयर वापस से आपको ये क्लियरली बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं गाइस क्लियरली आपको ये बुलिश कैंडल दे रहा है और टारगेट्स भी काफी अच्छे क्लियर हो रहे हैं गाइस। इसने अपने फर्स्ट टारगेट को काफी ऊपर तक अचीव करने के बाद गाइस ये गया था, आप देख सकते हैं इसके काफी ऊपर तक विक्स बने हुए हैं गाइस, ये कैंडल्स के जो विक्स हैं काफी ऊपर तक गए हुए हैं गाइस। लेकिन भले ही इसने क्लोजिंग जो अपने टारगेट से नीचे दिया है, बट इसने अपने टारगेट को आज इसने अचीव किया है, तो हो सकता है अगले दिन इसको ब्रेकआउट करे और सेकंड और थर्ड टारगेट को भी अचीव करे। तो वैसे आप देखते हैं ये जो शेयर है 3.94 यानी कि लगभग 4% से अभी ये शेयर जो है अभी अप चल रहा है, तो गाइस काफी अच्छा क्लियरली और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है शेयर को बाई करने का, तो शेयर को बाई करे गाइस और अच्छी खासी प्रॉफिट बनाए। तो गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं इसके टारगेट्स एंड सपोर्ट क्लियर करो, तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो 1146 का बन रहा है, तो गाइज अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और आगे बढ़ता है तो इसका सेकंड टारगेट जो है 1192 का आगे जाकर इसको भी अचीव कर सकता है। गाइज अगर ये इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड टारगेट है ये गाइज मैं आपको क्लियर करूँ 1244 का इसको भी अचीव कर सकता है, और गाइज हो सकता है आगे जाकर इसको भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि गाइज ये शेयर जो है काफी अच्छी आपको बाई के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइज अगर बाई चांस अगर ऐसा ना हो कि ये बेयरिश ट्रेंड बनाए, लेकिन अगर बाई चांस ये बेयरिश ट्रेंड बनाता है तो गाइज मैं आपको क्लियर करूँ इसका सपोर्ट्स, तो आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है वो 1069 पे बन रहा है, तो लगभग गाइज इसने अचीव किया था एक बार और वापस से आपको ये ट्रेंड रिवर्सल दिया है यानी कि बुलिश कैंडल दिया है, तो गाइज यहाँ के बाद तो शेयर नीचे जाना नहीं चाहिए अगर बाई चांस ये बेयरिश ट्रेंड बनाते हैं, तो अगर जाता है तो गाइज मैं आपको एक दो और सपोर्ट्स इसके क्लियर कर दूँ। तो इसके गाइज सेकंड सपोर्ट जो क्लियर हो रहे हैं वो 987 पे हो रहे हैं, और गाइज इसके जो थर्ड सपोर्ट क्लियर हो रहे हैं वो 929 पे क्लियर हो रहे हैं, बट गाइज ये आपको बुलिश ट्रेंड का क्लियरली आपको सिग्नल दे रहा है यानी कि अप ट्रेंड का, अगर आप इस शेयर को बाय करते हैं गाइज तो ये शेयर श्योरली अप जा सकता है, आप खुद भी कंफर्मेशन कर सकते हैं, आप खुद भी इसमें इंडिकेटर्स लगा करके क्लियर कर सकते हैं, तो गाइज मैं आपको खुद भी इंडिकेटर लगा क्लियर करूंगा और आप बाय करने से पहले खुद से भी एक बार जरूर इंडिकेटर लगा करके आप खुद भी कुछ भी कोई भी इंडिकेटर लगा करके कहीं से भी आप भी खुद से कंफर्मेशन क्लियर जरूर करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स भी जरूर कर सकते हैं। तो गाइज अगर बात की जाए आरएसआई की, तो देखिए मैंने आरएसआई लगा रखा है और गाइज मैंने ये आरएसआई का ग्राफ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं गाइज आरएसआई जो आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है गाइज, क्लियरली आप देख सकते हैं क्लियरली आपको ये बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है गाइज, इसने थोड़ा सा पहले आपको इसने सेल का सिग्नल प्रोवाइड किया था लेकिन इसने तुरंत से आपको बाई का सिग्नल देते हुए क्लियरली आपको ये आपको कंफर्म भी कर रहा है गाइज, आपको पता है कि आरएसआई 20-25 के बीच का कंफर्मेशन क्लियर करता है जो आपको ये कंफर्म का क्लियर भी कर रहा है कंफर्मेशन, तो आप शेयर गाइज श्योरली बाई करें और काफी अच्छी कंफर्मेशन के साथ शेयर को बाई करने के बाद अच्छी प्रॉफिट बुक करें। तो गाइज अगर बात की जाए एमएसडी की, तो देखिए गाइज मैंने एमएसडी लगा रखा है, एमएसडी वन डे कैंडल के साथ जो है अभी आपको क्लियरली सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो गाइज आपको पता है कि एमएसडी वन डे कैंडल के साथ लेट सिग्नल देता है, इसलिए हम इसको 4 आवर में कन्वर्ट करके जरूर चेक करते हैं, तो गाइज देखिए गाइज मैंने इसे 4 आवर में कन्वर्ट किया और आप देख सकते हैं गाइज एमएसडी जो है आपको 4 आवर में भी बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है गाइज, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो गाइज अगर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप देख सकते हैं ये गाइज आपको मैं एमएसडी बड़ा करके दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये गाइज देखिए क्लियरली आपको जो है एमएसडी आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर चुका है 4 आवर में भी, ये गाइज एमएसडी जो है आपको बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर चुका है, और आप देख सकते हैं कि 4 आवर में जो है एमएसडी लगातार आपको क्लियरली बुलिश कैंडल्स क्लियर कर रहा है, और गाइस इसने डोजी कैंडल के बाद वापस से आपको क्लियरली बुलिश ट्रेंड का सिग्नल यानी कि अप ट्रेंड का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है गाइस, ये लगातार ही अप ट्रेंड बनाता जा रहा है, आप देख सकते हैं गाइस काफी क्लियरली आपको ये बाई का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, कैंडल स्टिक भी देख सकते हैं और एमएससीडी लाइन भी आपको ये क्लियर कर रहा है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि गाइस हमारे जो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, जो नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे, और गाइस मैंने जो बताया था फर्स्ट में आपको कि कुछ शेयर्स को मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है, तो आप इस शेयर को यहाँ से खुद से कंफर्म करें और शेयर को बाई करने के बाद अच्छी प्रॉफिट बनाएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।